खबर 9 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारी सभी न्यूज प्राप्त करें। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर 9 में। मैं अक्षय तिवारी आपका तहे दिल से एक बार स्वागत करता हूं। भाजपा राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय आज बदनावर जनपद अध्यक्ष श्री प्रकाश राव सावंत के निधन पर उनके निवास स्थान पर श्रद्धांजलि अर्पित करने कानवर पहुंचे, जहां श्री सावंत के चित्र पर माल्या अर्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री विजयवर्गीय द्वारा श्री सावंत के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वे नेक और ईमानदार नेता थे। लंबे समय से पार्टी में निस्वार्थ भावना से सेवा देते आ रहे थे। वो ऐसे नेता थे जो काजल की कोठरी से बिना दाग के निकल आए। हर एक कार्य के लिए क्षेत्रों में लोगों की सेवा के लिए दौड़ा करते थे। ये बात भाजपा कार्यालय पर कैलाश विजयवर्गीय व पूर्व विधायक राजवर्धन सिंह दत्तीगांव के भव्य स्वागत के दौरान कही। वह श्री विजयवर्गीय द्वारा लोगों से अपील की गई कि राजवर्धन सिंह दत्तीगांव को भारी मतों से विजय बनाना है। बदनावर में विकास होगा और बदनावर के विकास के लिए बदनावर को चमन बनाने के लिए लोगों से अपील की कि वही राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने श्री सावंत की मूर्ति लगाने की बात कही, जिस पर लोगों द्वारा ताली बजाकर स्वागत किया। राजनीति की काजल की कोठरी से बेदाग निकलना, ये बहुत बड़ी बात है। उस प्रकार की दुनिया में नहीं, पर कह सकता हूँ राजनीति की काजल की कोठरी से बेदाग निकलना। शरीर उनका नहीं है हमारे पास, पर ये बात है कहीं ना कहीं वो यहीं पर विचरण करेंगे, क्योंकि उनका दिल यहाँ पर लगा रहता है, उनकी आत्मा यहाँ बसती है। और जिस तरीके से वो छोटी छोटी बातों के लिए कानवन और आसपास के क्षेत्रों के लिए लड़ते थे, वो निश्चित रूप से ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, बिरले होते हैं। मैं प्रकाश सावंत जी के चरणों में तो आपको श्रद्धांजलि देने आया हूँ, पर साथ ही राज्यवर्धन जी के लिए भी आपसे अनुरोध करें। इनके पिताजी मेरे मित्र हैं और इनके पिताजी क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ते थे, मैं गुजराती में था। क्रिश्चियन कॉलेज और गुजराती कॉलेज की हमेशा लड़ाई होती है, हमेशा होती है। एक बार हमारी भी भिड़ंत हो गई, भिड़ंत होने के बाद फिर दोस्ती हुई, तो लगातार लंबे समय तक चली। इस रिश्ते से मेरे भतीजे होते हैं, तो आप सबसे आग्रह कि राज्यवर्धन जी ने जो सेक्रीफाइस किया, उनकी पूरे टीम ने, आज 22 विधायक एक साथ कांग्रेस छोड़कर इसलिए आए कि इन्होंने जो वादा किया था जनता से, वो कमलनाथ जी पूरा नहीं किया। किसानों का कर्जा माफ़ करने का काम नहीं कर रहे, बेरोजगार नौजवानों को भत्ता देने की बात कही, भत्ता नहीं है। तो बहुत सारी घोषणाएं थी जिसका कि पालन नहीं हो रहा था। जब इनके लीडर सिंधिया जी ने कहा कि भाई मैंने जनसभा में जा के वादा किया है, जनता मुझसे पूछती है मैं क्या करूँ, जनता ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि अगर सरकार किसानों की मांगे नहीं मानेगी तो वो सड़क पर आ जाए। कमलनाथ जी अहंकार में थे, उस अहंकार में उन्होंने बोल दिया आ जाइए सड़क पर। वो तो सड़क पर नहीं आया, पर कमलनाथ जी को सड़क पर ला दिया उन्होंने, 22 लोग छोड़कर आए। कानवन से विशाल राव, निकम की रिपोर्ट। तो ये थी आज की खबरें, बने रहिए हमारे साथ खबर 9।